नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक है। अरवल एसपी और डीएसपी मिल करके अरवल को अपराध मुक्त करने के लिए मुझे लगता है कि प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चाहे वो शराब माफिया हो या खूनखार अपराधी हो, सभी को पकड़ करके जेल भेजने का काम कर रहे हैं और पूरे प्रमाण के साथ में, चाहे वो बैंक लुटेरा हो। आए दिन एसपी और डीएसपी दोनों साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपराधी गतिविधि का जानकारी देने का काम कर रहे हैं अपराधियों को पकड़ करके। कुछ दिन पहले बहुत बड़ा शराब माफिया पकड़ा गया, बैंक लुटेरा पकड़ा गया और आज खूनखार अपराधी जीतन पासवान पकड़ा गया, जो माओवादी कमलेश राम का हत्यारा है। तो इस तरह से अरवल को भयमुक्त करने का काम यदि कोई एसपी कर रहा है तो वर्तमान का एसपी और डीएसपी मिलकर के कर रहे हैं, वो है मोहम्मद कासिम और डीएसपी राजीव रंजन। तो इस तरह शानदार काम कर रहे हैं। और आइए मैं आपको सुनाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बातें जो अपराधी को पकड़ने के बाद है एसपी साहब ने खुद पत्रकारों को दिए हैं। किंजर थाना में एक हत्या का कांड 141/22 दिनांक 28/12/22 को दर्ज हुआ था। 302, 120, 34 एवं 27 तो दो आदमी को निर्णय किया गया था। इस कांड में चूंकि था कि सही क्या है, कैसे गोली किसने मारा, इसकी जांच चल रही थी, इसी अनुसंधान के क्रम में अभी तक गिरफ्तारी में देर हुई और जो समय का परिस्थिति थी उसके मुताबिक पता किया कि कौन कौन लोग थे, कैसे थे। तो उसमें जीतन का नाम आ गया, जीतन पासवान भी सरकार में है। फिर जीतन या पासवान को भी सर्विलांस पर रखा गया और जीतन पासवान पुलिस के डर से तमिलनाडु भाग गया था। बहुत दिन लंबे अभी तमिलनाडु में था, क्योंकि पुलिस को पता चल रहा था कि कहाँ है, क्योंकि विदेश की पता चल रही थी। कल रात इसकी गिरफ्तारी हुई है, 3 कट्टा 10 गोली के साथ डेडेड क्रिमिनल है। इनका ये कहना है कि हम 3 इसलिए हथियार लेके चलते हैं, अगर एक फेल हो गया तो दूसरे से मारेंगे, दूसरा फेल होगा तीसरे से मारेंगे। इनसे पूछा गया कि आखिर आपने कमलेश राम की हत्या क्यों की। उन्होंने कहा कि वो चूंकि एरिया कमांडर थे माओवादी के, ऐसी स्थिति में उनका अपना वर्चस्व था, उसी वर्चस्व के तहत एक घटना घटी थी कि मेरी बहन स्कूल में पढ़ती थी, शुक्रवार के दिन 2 अंडा खाने के लिए स्कूल की तरफ से मिला था, उनके साधु का बेटा थूक दिया था मेरे बहन के, जो स्कूल से खाना मिला था मध्यान्ह भोजन का, उसको थूक दिया था। तो मेरी बहन रोने लगी थी, तो मैं घूमते फिरते जा रहा था तो मेरी बहन ने बताया हम कमलेश के सारू के बेटा को दूध पर मारे। वो बच्चा वो लग रोते हुए 18-19 की बात ही बता रहे हैं, वो रोते हुए फिर आया अपने घर। घर आया तो उसकी माँ भीग गई हमसे, माँ भीग गई तो हम उनको पता भाई हम सुबह तक चूरी कर गया उनको उन्हीं को, फिर किंजर थाना में छिड़खानी का केस करने गए। मामला यही सब हुआ। उसके बाद कुछ लोग इसमें बीच में हुआ कि भाई इसको शॉर्ट आउट किया जाए, तो हमारे पिताजी को बुलाया गया, पिताजी को बुलाया गया तो हुआ क्या कि आपको तभी तो माफ़ी किया जाएगा जब आप अपनी पगड़ी इस महिला जिसको ऐसा घटना घटी है, आपका बेटा जिस महिला को मारा है उस महिला के पैर पर अपना पगड़ी रख दीजिए। घर में इसको शिकायत लगा कि मेरे कारण मेरे पिता की पगड़ी आज उस महिला के पैर पर रखना पड़ा, हम ही ने उससे झगड़ा किए थे। इसी रंजिश में ही था कि ये सब जो हो रहा है, वो जो एरिया कमांडर माओवादी के थे कमलेश राम जो छोड़ चुके हैं और उनके वजह से हो रहा है। दूसरा व्यक्ति और था एक राजकुमार, उसको भी इसी बात का था कि भाई खेती बाड़ी लोग की कनियाड़ी में होती थी, राजा नगर का रहने वाला है, वो भी खफा इसलिए था कि उसका ही कहना था कि भाई तो हमारा घर द्वार का सब सामान बिटवा दिए थे, इसलिए अनुसंधान का लेकिन जो बता रहा, इसलिए ये लोग प्लान में कमलेश को 4-4 गोली दोनों फायर किया, जिसका इसका कहना है कि मेरा एक मिस फायर हुआ है और 7 गोली उनको लगी थी। दो कट्टा जो है एक राजकुमार ने यूज किया था सो है, एक जीतन यूज किया सो, बाकी एक कट्टा फिर खरीदा है। मुख्य रूप से रंजिश और हत्या का कारण यही बता रहा है। चुनाव और भी अनुसंधान में हम लोग लाएंगे इस बात को, लेकिन ये अपना सफाई में इसका ही कहना है कि हमने जो हत्या किया कि हमको इस बात का गला नहीं हो कि मेरे पास मेरे कारण मेरे पिताजी की पगड़ी डाउन हुई, पगड़ी को उतार के लोगों ने माओवादी के कहने पर कमलेश राम के कहने पर
हम लोगों ने उनके हक में फैसला दिया और मेरे पिताजी की पगड़ी परिसा उतारी गई और उस महिला के पैर पर रखी गई और इस अपमान के लिए हम केस तो पुलिस में था सर, पुलिस में जब छिड़खाने की तो क्या पुलिस से न्याय इसको नहीं, पुलिस पुलिस का वाला अलग मामला था, लेकिन हर मामले को लोग पंचायत करने का प्रयास करते हैं ना, ये तो इनका अपना अलग ढंग का था मामला, तो मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए पंचों के बीच मामला था, कमलेश के भी लोग थे, इनके भी लोग थे, सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे, इसी सॉर्ट आउट पंचायती के क्रम में जो गुप्त रूप से हुआ है उसी गुप्त रूप की बात बहुत अब आ रही है, पहले उस जमाने में आई या नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि इसी रंजिश मेरे दिल में बैठा हुआ था कि मेरे पिताजी की भरी सभा में अपमान कर दिया और इसी बदले की भावना से मैंने हत्या किया, अपमान का बदला हत्या कर दिया, फिलहाल में मामला है गिरफ्तारी जिन पितर की गिरफ्तारी अपने घर के पास ही एक दूसरे घर से हुई है, ससुराल है ना, ससुराल से हुई।